नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, भाजपा ने आज अहिरवाल की 4 में से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, जिन्हें होल्ड पर रखा गया था। यह 3 सीटें बावल और पटौदी सुरक्षित तथा नारनौल विधानसभा सीट। विशेष बात यह है कि इन तीनों सीटों को राव इंद्रजीत सिंह के कोटे में दिया गया है। इन तीनों ही स्थान पर राव इंद्रजीत सिंह की पसंद के उम्मीदवार को भाजपा ने टिकट दी है। बावल से डॉक्टर किशन कुमार, पटौदी से बिमला चौधरी और नारनौल से पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव तीनों ही राव इंद्रजीत सिंह के खास सिपहसालार रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि कुछ दिनों से बड़ी तेजी से इस बात की चर्चा चल रही थी कि भाजपा एंड टाइम पर राव इंद्रजीत सिंह को झटका देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत बड़ी बात यह हुई कि इन तीनों सीटों को राव के कोटे में दिया गया है। महेंद्रगढ़ की सीट अभी भी होल्ड पर रखी गई है। वहां पर इंद्रजीत प्रोफेसर रामबिला शर्मा के लिए पैरवी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह अभी महेंद्रगढ़ को होल्ड पर रखा गया है, उससे यह लग रहा है कि महेंद्रगढ़ पर पार्टी कोई नया नाम भी दे सकती है। महेंद्रगढ़ के लिए हमें इंतजार करना होगा। अब हम एक एक करके बात करते हैं। बावल से डॉक्टर बनवारी लाल को बदलने का मन राव इंद्रजीत सिंह ने पहले ही बना लिया था। उन्होंने पहले डॉक्टर संजय मेहरा का नाम आगे बढ़ाया था। इस बीच ऐसी सूचना भी आई कि राव भरत सिंह हरचंदपुर को चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं, लेकिन एक सप्ताह से डॉक्टर किशन कुमार का नाम राजनीतिक गलियारों में चलना शुरू हुआ। और जब राव ने भाजपा के सामने डॉक्टर किशन कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा तो भाजपा ने इसे स्वीकार कर लिया। इसी तरह राव इंद्रजीत सिंह ने नारनौल में ओम प्रकाश यादव पर और पटौदी में बिमला चौधरी पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिलाई है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अहिरवाल में अपवाद को छोड़कर अधिकांश सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह की या तो सहमति ली गई है या उनके दिए गए नामों पर पार्टी ने मोहर लगाई है। हालांकि कुछ सीटों पर पार्टी ने उनकी पहली पसंद की बजाय दूसरी पसंद को तवज्जो दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राव को तवज्जो नहीं दी गई। जिन नामों पर मोहर लगाई है वह राव की विश्वास पात्र है, इसलिए हम कह सकते हैं कि राव को 2014 से भी अधिक 2024 में वजन दिया गया। देखना यह है कि राव इंद्रजीत सिंह अब अहिरवाल में भाजपा की नौका को कितना आगे बढ़ा पाते हैं, भाजपा की चुनावी वैतरणी को कितना पार लगा पाते हैं। महेंद्रगढ़ के टिकट घोषित होने के बाद एक बार फिर करेंगे अहिरवाल की राजनीति पर चर्चा। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।